वेलकम टू बैक टू माय चैनल ओमी का चैता आरजे ओमी आप लोगों के साथ हूं। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपके मोबाइल का टेंशन रहता होगा आपको। अगर बाइक ड्राइव कर रहे हैं और जीपीएस देखना है तो आपके मोबाइल का टेंशन रहता होगा। अब आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो प्रोडक्ट मैं लेकर के आया हूं, उसका रिव्यूज देने वाला हूं, उसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, वो आपके लिए भी अच्छा है और कुछ मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमेशा मुझे भी ज़रूरत रहती है और आप लोगों को भी ज़रूरत रहती होगी कार ड्राइव करते वक्त कि मोबाइल कहीं गिर नहीं जाए, कहीं टूट फूट ना जाए। बाइक पे हैं तो जीपीएस देखने के लिए हम कैसे देखें, इसको कैसे रखें, उसके लिए माउंट होना ज़रूरी है। कार के लिए कार का माउंट होना ज़रूरी है और बाइक के लिए बाइक का माउंट होना ज़रूरी है। अगर माउंट अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और थोड़े से खराब हो गए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अगर टूट फूट जाएगा तो आपको दिक्कतें पैदा होगी। इसीलिए मैंने मंगाया है कुल पैड, यानी कि फ्लोरिश लामा जेल पैड। इसको मंगाया मैंने अमेजोन से, ये मुझे पड़ा 499 रुपीज में। इसका क्या काम है, ये कैसे चिपकता है, कैसे वर्किंग करता है, पहले इसको खोल लेते हैं फिर देखते हैं कि क्या इसकी खासियत है। तो सीधे चलते हैं इसके अनबॉक्स पर कि इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। इस जो पैकिंग के अंदर सिर्फ ये दो चीज़ें निकली हैं, एक तो यह है जेल पैड कुछ इस तरीके से, और एक दूसरा जो दिया हुआ इसके साथ ही निकला है कुछ इस तरीके का। तो अब दोनों का क्या फंक्शन है, कैसे इसको यूज़ करते हैं वो आपको बताता हूँ। दोनों पॉलीथीन के अंदर से पैक हैं, इसको खोल करके मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। ये तो है शायद उसको चिपकाने का, जिससे आपके मोबाइल और छोटी मोटी चीज़ें चिपक जाएंगी इस पे जेल पैड पे, और ये स्टैंड का काम करेगा। आई थिंक जहाँ तक मेरे को नॉलेज है स्टैंड का काम करेगा। कुछ स्टैंड बनाने के लिए इसको ऐसा इस तरीके से दिया गया है, ये भी जेल पैड ही है। अब हम दोनों को यूज़ करके देखते हैं कि मोबाइल इस पे चिपकते हैं या नहीं। तो सीधे चलते हैं इसके फीचर्स और रिव्यूज पर कि ये चिपकते हैं कि नहीं। हम इसको कार के डैशबोर्ड पर तो चिपका के देखेंगे ही सही, उसकी स्टेयरिंग पर चिपका के देखेंगे कि मोबाइल सेफ होता है कि नहीं है, चिपकता है कि नहीं। पर इससे पहले मैं कार की बॉडी के ऊपर और ग्लास के ऊपर चिपका करके बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमें ये प्लास्टिक खोल देना है, और इसको भी मैंने खोल दिया। तो मैं चिपका दूंगा, और ये मोबाइल है। ये देखिए कुल पैड पे चिपक गया और बहुत अच्छा वर्किंग कर रहा है। बल्कि इसके पीछे कवर है, मैंने ये फुल कवर में इसको चिपकाया है। अब मैं इसका कवर खोल लेता हूँ, पीछे बैक कवर, और मैं इसको कुछ इस तरीके से चिपका करके देखता हूँ किस तरीके से ग्रिपिंग आती है। फर्स्ट क्लास, इस तरीके से कुल पैड चिपक चुका है, कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, बहुत अच्छा वर्किंग कर रहा है। अब हम इसकी बॉडी पर चिपकाते हैं कार की। आप इसका स्टैंड भी बना सकते हैं, स्टैंड में अंदर कार में बैठ करके बताऊंगा आपको किस तरीके से स्टैंड बनता है। आपको मैं सीधा कार के अंदर जाता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं ये किस तरीके से चिपकेगा डैशबोर्ड पर भी। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप
आपने कहाँ इसको चिपकाया है और इसका ग्रिपिंग कमजोर हो जाए, क्योंकि डस्ट लगने से इसका ग्रिपिंग कमजोर भी हो सकता है, तो आप इसको धो भी सकते हैं। धोने के बाद फिर से वैसी ही ग्रिपिंग हो जाएगी इसकी जैसी पहले की तरह थी। तो मैं इसको धो रहा हूँ, ये धोने के बाद इस जेल को फिर से लगाऊंगा। मैंने धो दिया और ये बिल्कुल साफ हो गया है। अब इसको थोड़ी देर बाद हम फिर से लगा के देखते हैं। धोने के बाद फिर से वैसे ही चिपचिपापन, यानी कि अब मैं इसको प्रेस कर लेता हूं और इसको मैं, अब इसका ग्रिपिंग बहुत ही प्यारा है। आप ऐसे लगा सकते हैं, इसको ऐसे लगा सकते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा। आप चाहें तो यहां पर प्रेस करें और ऐसे लगा सकते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा। आप चाहें तो ग्लास पर लगा करके कुछ ऐसे लगा सकते हैं, कहीं नहीं जाएगा। अब इसका क्या फायदा है, कैसे इसको यूज करते हैं, इसका हम कर लेते हैं यूज, किस तरीके से यूज करते हैं। दोनों पॉलीथीन में हटा देता हूं और कुछ इस तरह से इसको बैंड करना होता है और ये आराम से आप इसको यहां पर लगा लीजिए, ये चिपक जाएगा। लगाने के बाद आप इसको यहां पर प्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये स्टैंड बन गया। आप इसको चाहें तो ये इसका बेनिफिट है और पूरी तरह से ये चिपक जाता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये कहीं नहीं जाएगा। आप कार ड्राइव कर सकेंगे, GPRS चालू है तो वो लगा सकेंगे, आपको देखो ये कितना टाइट है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये आप, मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है और फिर ये उखड़ा है। अब जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मैं अपने बीच वाला जो ग्लास है कार का उसके ऊपर ये जेल पैड लगा करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने मोबाइल से। ये वीडियो मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, जेल पैड के ऊपर इसको रखा गया है और रिकॉर्ड हो रहा है। करीबन 20 मिनट हो गया मैंने इसको लगा रखा है, स्टेयरिंग पे भी 20 मिनट से ज्यादा हो गया था उसको लगा रखा था। जहां तक मेरा मानना है ये बहुत अच्छा है, आप इसको वॉश कर लीजिए, धूल मिट्टी लग जाती है तो ये ग्रिपिंग कम करता है, पर उसको वॉश कर लेंगे तो ये ग्रिपिंग फिर से वापस से उतनी ही करेगा जितनी पहले कर रहा था। मोस्टली इसको ऐसे प्लास्टिक में पैक करके रखना होगा और बहुत अच्छी चीज है। आप इसको खरीदने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा कि यही वही चीज है जो मैंने इसका रिव्यूज दिया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कम प्राइजेस में इसको प्रोवाइड करवाती हैं, देती हैं। शायद हो सकता है उसका इतना इफेक्ट नहीं हो, पर इसी ये मुझे पड़ा 499 रुपीज में, अमेजोन से लिया था और बहुत प्यारी चीज है, आपको लेनी चाहिए अगर आपके मोबाइल को सेफ करना है तो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका प्राइस बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में आप ये भी पूछ सकते हैं कि हमने इसका और क्या क्या उपयोग किया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, गुड बाय।